हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस्ट्रीज ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया था हमने, डेरिवेशन किया था, बताया था। अब आज कुछ पावर के क्वेश्चन और कुछ वर्क के क्वेश्चन आपको करना सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले वेक्टर से रिलेटेड जो होते हैं प्रॉब्लम्स, यानी कि टाइप वन में आपका आएगा। टाइप वन तो हम वर्क करते हैं। टाइप वन में ये बोलता है कि अगर आप कोई फोर्स एफ लगाते हो और कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्प्लेस्ड हुई है, ठीक है, इफ अ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजिशन आर ए टू पोजिशन आर बी अंडर अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ, तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन देखिए इस कंडीशन में, तो फिर वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट एस ही होता है। दो वेक्टर का डॉट पर कभी स्केलर आता है। एस के लिए यहां पे आप यूज करोगे एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे आर ए माइनस आर बी, ठीक है, आर ए माइनस आर बी, यानी कि आप जहाँ से जहाँ डिस्प्लेस हो रहे हो, आर ए माइनस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो आर ए माइनस आर बी आप लोग करते हो। तो ये उसका वर्क का फॉर्मूला होता है। अब इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन भी चेक करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, नोट कर लेते हैं इसको। देखिए दिया हुआ है इसमें अ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, लिखा है अ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए। इसमें पॉइंट मतलब क्या, हम न्यूमेरिकल पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर से एक बार आपको समझा रहे हैं, क्लेरिफाई कर देंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट से कोई फोर्स लगता है और हम इस पॉइंट पे आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट पे थे, ये पॉइंट ए था, इस पे हम स्टैंडिंग पोजिशन पे थे, और यहाँ से आपने फोर्स लगाया और हम आ गए पॉइंट बी पे, ठीक है, ये हम यहाँ पे आ गए, तो वर्क डन ये है में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना ही होगा। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ से अगर जीरो लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे जीरो से यहाँ तक यानी बी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बी, तो आर बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और माइनस आर ए, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा गया है। अच्छा ये थोड़ा सा देख लीजिए, रेक्टिफाई कर लीजिएगा, आर ए माइनस आर बी नहीं, आर बी माइनस आर ए, उल्टा हो गया था ये, ठीक है, ये यहाँ से देखिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा? आर बी माइनस आर ए, ठीक है, वही बात है, बात तो इसी डिस्प्लेसमेंट की हो रही है। और कभी भी ये टेक्निक कब लगाते हैं? जब एक फोर्स कांस्टेंट लगता है और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में हुआ हो, तब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सेम कंडीशन बोल रहा है कि एक कॉन्स्टेंट फोर्स एफ लगता है और बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रहा है पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए दिया हुआ है 2 मीटर 6 मीटर एंड -4 मीटर, ये आपका हो गया पॉइंट ए, और यहाँ से कहाँ जा रहा है? बी पे जा रहा है। बी की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, 6i -4j+4k, 6i -4j+4k, ठीक है। अब आपको बोलना किस फोर्स के अंडर में, अंडर विच कॉन्स्टेंट फोर्स, 2i+3j-k, 2i+3j-k, ठीक है, न्यूटन में। इस फोर्स के अंडर में आपका जो बॉडी है वो पॉइंट ए दैट इज दिया हुआ है से पॉइंट बी जा रहा है, और आपको निकालना वर्क डन, आपको वर्क डन बाय दिस कॉन्स्टेंट फोर्स आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आप ये करोगे कि सेम कंडीशन एफ, यानी कि 2i+3j-k, ठीक है, डॉट आर बी माइनस आर ए, आर बी यानी कि दिस 6i -4j+4k, आर बी माइनस आर ए, आर ए बोले तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। तो देखिए ये भी आई जे के आप इसमें लगा सकते हो, ये जो कॉमा लगा है ना ये बता रहा है कि 2 मीटर i में 6 मीटर j में और -4 मीटर k में, तो आप पोजीशन वेक्टर से यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मीटर, यानी कि सीधी सी बात हम क्या लिख दें, 2i+6j-4
की बात एक बराबर है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हमारा बच क्या जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस के, ठीक है डॉट। अब देखिए सबट्रैक्ट करना होगा, 6i में से 2i जाएगा तो बचेगा 4i, डॉट प्रोडक्ट करना है। और उसके बाद देखिए माइनस 4j में से माइनस 6j, ठीक है माइनस 4j में से आपको क्या करना है, माइनस 6j आपको यहाँ से माइनस करना है। तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10, यानी कि माइनस 10j नेगेटिव। अब देखिए 4k है और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको जाएगा प्लस 8k, यानी कि देखिए क्या किया, ये प्लस 4k था, इस माइनस से इसको इंटू करेंगे तो प्लस 4k हो जाएगा, प्लस 4k में प्लस 4k जोड़ेंगे तो 8k हो जाएगा। ये हमारा हो गया f और ये हो गया डॉट s, इस फॉर्मेट में हो गया हमारा। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कभी भी डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालते हो तो i का इंटू i में, j का इंटू j में और k का इंटू k में करते हो, ठीक है। और आई ए के को हटा देते हैं, तो आई का आई में करते हैं यानी कि 4 2 8, फिर 3 का 10 में माइनस 30, इसका इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये आपका माइनस इंटू माइनस 1 इंटू ये जो माइनस 8। अब देखिए ये क्या हो, इससे ये गया यानी कि माइनस 30 जूल्स नेगेटिव वर्क यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ, यानी कि जो बी पॉइंट होगा इसका देखिए पूरा अच्छे से समझा दें, यानी ये जो ए पॉइंट है ये आगे था और बी पॉइंट कहीं पीछे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से जीरो है, तो आप इस डिस्टेंस में से आपने इस डिस्टेंस को माइनस किया तो बड़े वाले का साइन लगता है नेगेटिव, तो बड़ा यही आएगा, यानी कि आपको एक पॉजिटिव डिस्टेंस नेगेटिव में मिलेगा, जाहिर सी बात है उस नेगेटिव से इंटू करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो माइनस साइन आगे आ जाता है, तो इसलिए आपका वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये इसका एनालिसिस था कंप्लीट, ये जो हमने एनालिसिस किया और ये हमने सॉल्व किया, नोट कर लेते हैं इसको, फिर आगे कुछ समझाना चाह रहे हैं उस पर चलते हैं। देखिए अब आपका जो है वर्क डन यानी कि पोटेंशियल, आप ये बोल सकते हो कि अब जो वर्क डन बता रहे हैं ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स, लिख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्क डन ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो हमें ना दिखे, ठीक है, उसके बारे में बात करें। कांस्टेंट डिसअपीयर्ड फोर्स, डिसअपीयर्ड फोर्स फील होता हो और उसके बारे में बात करें, उस फोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। आप लोग पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो या फिर हेडिंग डाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एज अ वर्क डन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को कैसे वर्क डन में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए हम लोग दिखने चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ वर्क डन। सपोज करते हैं बेटा है कि एक पॉइंट ए से आप किसी पार्टिकल को गिराते हो, किसी स्टोन को गिराते हो जो पॉइंट बी पे आके गिरता है, पाथ ये फॉलो करता है इस पाथ को और डिस्प्लेसमेंट ए बी है, और ये जो पॉइंट ए है वो ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, h हाइट पर है, इसको o मान लेते हैं। ये जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट जो एंगल बनाता है उसको थीटा ले लेते हैं, तो ठीक है। तो देखिए एक बात बताइए, ये पार्टिकल का मास अगर m हो तो ये हर तरफ इसके ऊपर कौन सा हर इस ये जो पाथ फॉलो कर रहा था उस पाथ पे नीचे की तरफ ही आ रहा है, रीजन क्या है, कौन से फोर्स के चलते नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, हर वक्त mg लग रहा था हर पॉइंट पे, यहां भी mg और ये कांस्टेंट था, ठीक है, लगातार यहां तक ये क्या था, कांस्टेंट था ये फोर्स। अब उसके बाद हमें इस फोर्स के वजह से जो भी ये इतना नीचे की तरफ आया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है ए बी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन फोर्स एफ डॉट एस, या फिर हम बोल सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स की जगह तो एम जी लिख दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट की जगह ए बी लिख देते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ए बी है, एस कॉस थीटा क्या जाएगा, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या जाएगा, कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा, देखिए बेस की जगह हम एच लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिखिए, देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें बात एक बराबर है, देखिए उसको लिखने चल रहे हैं यहाँ पे एच बाई ए बी, ये ए बी से ए बी गया, ये क्या गया, देखिए एम जी
एच। तो कभी भी इस तरीके का कंडीशन हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है आपका वर्क डन में सेव हो जाता है। इससे आप लोग ये भी चीज सीख रहे हो कि अगर आपने इस बॉडी को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया तो जो पोटेंशियल एनर्जी था क्या हुआ इसके वर्क डन, जो वर्क डन आपने किया क्या हुआ इसके पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया, सॉरी उल्टा हो गया था, जो वर्क डन आपने किया क्या हो गया इसके पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया। तो ये था एक कॉन्स्टेंट फोर्स के अंडर में किया गया वर्क डन जिसको कि हमने इस तरीके से निकाला। हो सकता है कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, ठीक है, हो सकता है कि वर्क डन आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। तो आप इन चीजों को देखिए, पहले वाले एग्जांपल को भी देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एग्जाम्पल, अगले लेक्चर में अगले एग्जांपल और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।